ब्रेन आपकी बॉडी का मास्टर कोऑर्डिनेटर होता है। इस प्रकृति का निर्माण किया गया एक ऐसा अजूबा जिसका तोड़ खुद ये ब्रेन भी नहीं खोज पाया है। हमारे ब्रेन के बारे में जानना समझना एक एवरेज ब्रेन के बस की बात तो बिल्कुल नहीं है। तो दोस्तों मैं आपको चौंकाने वाला हूँ विद द 10 मोस्ट शॉकिंग एंड इन्फॉर्मेटिव फैक्ट्स अबाउट ह्यूमन ब्रेन। इंसान जब जंगलों में रहता था तो उस वक्त के और आज के ह्यूमन ब्रेन को जब कंपेयर किया गया तो पता चला कि आज के इंसान का दिमाग 10% से छोटा हो चुका है। लेकिन ऐसा क्यों? इसकी असली वजह है आज की लाइफस्टाइल। ये नेचर उन्हीं चीजों को बढ़ावा देता है, इंसानी शरीर में उन्हीं हिस्सों को रखता है जिनकी उसे जरूरत होती है। आज का ह्यूमन पॉपुलेशन, लाइफस्टाइल, डाइट और मेंटल स्टेट, ये सब चीजें मिलाकर स्मॉलर ब्रेन विद मैक्सिमम इफिशिएंसी की मांग करते हैं। इसको आसान भाषा में समझा जाए तो आज के इंसान का छोटा दिमाग भी करोड़ों साल पुराने इंसान के दिमाग से काफी शार्प है। अगर आपका वेट 150 पाउंड है तो आपके ब्रेन का वेट लगभग 3 पाउंड होगा। और मानो आपकी बॉडी 100% ऑक्सीजन कंज्यूम करती है तो उसमें से 20% ऑक्सीजन आपका दिमाग अकेला ही खा जाता है। लेकिन ऐसा क्यों? बॉडी वेट में जिसका हिस्सा सिर्फ 2% होता है, ऑक्सीजन कंजम्पशन में उसका हिस्सा 20% कैसे? जवाब थोड़ा लंबा है। इस नोबल ऑर्गन के ऊपर कई सारी वाइटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। आप अभी मेरा वीडियो देखते हुए अनकॉन्शियसली जो सांस भी ले रहे हो ना, उसको भी आपका ब्रेन ही कंट्रोल कर रहा है। और इस प्रोसेस में कई सारे मसल्स और नर्व्स मौजूद होती है, उनसे ये सारा काम आपका ब्रेन ही करवा के लेता है। तो थोड़ा ज्यादा ऑक्सीजन लेना तो बनता ही है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ये कोट आपने हजारों बार सुना होगा, लेकिन आज इस कोट का सही मीनिंग समझते हैं। हम जो काम बार बार करते हैं वो हमारी आदत बन जाती है, और ब्रेन का वो हिस्सा जो उस काम को निभाता है वो और भी डेंस यानी घना बन जाता है। मतलब वहाँ पर न्यूरॉन्स की डेंसिटी और भी ज्यादा बढ़ जाती है। एक एक्सपेरिमेंट में, एक सर्कस में रोप वॉकिंग करने वाले आर्टिस्ट का ब्रेन स्टडी करने पर ये बात सामने आई कि उसके ब्रेन का बॉडी बैलेंस करने वाला हिस्सा बाकी हिस्सों से ज्यादा डेंस हो चुका था, जिसकी वजह से वो बैलेंसिंग और भी आसानी से कर सकता था। इसका मतलब समझे आप? कोई भी इंसान किसी भी स्किल को प्रैक्टिस करके डेवलप कर सकता है। क्या आपको पता है कि आपके ब्रेन में मसल होती ही नहीं है? आपके ब्रेन का 60% हिस्सा फैट होता है। तभी तो अल्जाइमर्स डिसीज या कोई भी मेंटल डिसऑर्डर वाले लोगों को डॉक्टर्स ओमेगा 3 फैटी एसिड लेने के लिए बोलते हैं। इन फैटी एसिड्स की वजह से ब्रेन अपने आप को रिपेयर कर पाता है। और तो और, फैट्स हमारी बॉडी खुद से प्रोड्यूस भी नहीं कर सकती, और इसीलिए फैट्स डाइट में होना बेहद जरूरी होता है। क्या आपको इसके पहले पता था कि आपके ब्रेन में कोई भी मसल नहीं होती? कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। इंसान एक सामाजिक प्राणी है, हम मिलजुल कर रहने के लिए ही बने हैं। हम अगर अकेले रहे तो सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा। अकेले रहना, सोशलाइज ना होना एक एक्सट्रीमली डैमेजिंग हैबिट है हमारे ब्रेन के लिए। आपको याद है मैंने तीसरे पॉइंट में क्या कहा था कि जो काम हम बार बार करते हैं उस काम को निभाने वाला ब्रेन का हिस्सा बाकी के हिस्सों के मुकाबले काफी अच्छे तरीके से डेवलप होता है। और अगर आप बोलोगे ही नहीं, अकेले ही रहोगे, तो आपके ब्रेन का काफी सारा लोड कम हो जाएगा। साथ ही साथ आप सोशलाइजेशन के स्किल भी भूलने लगोगे। वर्चुअल रियलिटी का नाम सुना है, जिसमें टेक्नोलॉजी और साइंस के इस्तेमाल से आपके सामने वो चीज खड़ी कर दी जाती है जो आपके सामने होती ही नहीं है। लेकिन क्या आपको पता है कि आपका दिमाग बिना किसी साइंस और टेक्नोलॉजी की मदद लिए बिना ही ये काम कर सकता है? लेकिन ये अजूबा किसी भी इंसान का ब्रेन नहीं कर सकता। स्किजोफ्रेनिया ये एक ऐसी मानसिक बीमारी है जिसमें इंसान वो बातें सोचता है जिनका कोई मतलब ही नहीं बनता, जिसे डिल्यूजन्स यानी फॉल्स बिलीफ कहते हैं। इसमें मरीज ऐसी चीजें या इंसानों को देख लेता है जो एग्जिस्ट ही नहीं करती। ये लोग अपने दिमाग में अपनी ही एक अलग झूठे विश्वासों पर आधारित दुनिया बना लेते हैं। माना कि एक बीमारी है, लेकिन इससे हमें ये बात तो पता चल जाती है कि हमारा दिमाग कितना पावरफुल है। एक नवजात शिशु का ब्रेन एक एडल्ट ब्रेन के 1/4 होता है। बच्चा 1 साल का होते होते ये ब्रेन ऑलमोस्ट डबल डेवलप हो जाता है। 2 साल की उम्र में ये ब्रेन 80% डेवलप होता है, और 5 साल का होते ही ऑलमोस्ट फुल डेवलप होता है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि ब्रेन की डेवलपमेंट 5 साल के बाद रुक जाती है। ब्रेन तो जिंदगी भर डेवलप होने के लिए तैयार रहता है।
क्या आपने कभी किसी रिलीजियस प्रोग्राम में म्यूजिक बैंड के लोगों को ढोल, ताशा या ट्रम्पेट बजाते हुए देखा है? जब दो म्यूजिशियंस जो एक ही धुन पर दो सेम इंस्ट्रूमेंट बजा रहे थे, तो जब उनके ब्रेन का स्कैनिंग किया गया तो ये बात पता चली कि उनके ब्रेन की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी की वेव्स ऑलमोस्ट इक्वल हो गई थी। मतलब ये कि उनके ब्रेन सिंक्रोनाइज हो गए थे, क्योंकि वो दोनों भी एग्जैक्टली सेम टास्क कर रहे थे, जिनकी वजह से उन दोनों के ब्रेन की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी एक जैसे ही चल रही थी। मोबाइल, कंप्यूटर्स, मेल्स का सिंक्रोनाइजेशन तो आपने सुना ही होगा, पर ब्रेन्स का सिंक्रोनाइजेशन शायद पहली बार सुन रहे होंगे। ये फैक्ट सुनकर आप ब्रेन की पावर और इफिशिएंसी दोनों भी जान जाएंगे। इंसान का बनाया हुआ फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर ऑपरेट होने के लिए 24 मिलियन वैट्स कंज्यूम करता है, जबकि ह्यूमन ब्रेन जिसने इस कंप्यूटर को बनाया था उसे ऑपरेट होने के लिए सिर्फ 24 वैट लगते हैं। है ना कमाल की बात। अब आखिरी फैक्ट में मैं आपको हमारे ब्रेन से जुड़ा एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊंगा और साथ ही आपके लिए एक सवाल भी छोड़ जाऊंगा। क्या आपको पता है कि अगर आप किसी डरावनी या डेंजरस जगह पर सोते हैं तो आपका ब्रेन पूरी तरह से नहीं सो पाता। आपका ब्रेन हाईली अलर्ट स्लीप मोड में ही रहता है। इसके पीछे भी इवोल्यूशनरी रीजन है। इसका रीजन छिपा है हम इंसानों के लाखों साल पुरानी आदतों में। आई होप ये रीजन आपको पता होगा। तो सोच क्या रहे हो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताओ, और ऐसे ही बेहतरीन वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले।